बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हम चौथा इडियम आज करेंगे, गिव द कोल्ड शोल्डर। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, लफ्जी तर्जमा देखें, तो इसका मतलब ये है कि सर्द कंधा जो है वो देना। शोल्डर से मुराद लोग कमर भी लेते हैं, तो उस हवाले से भी लिया जाता है कि जो बैक है, मीनिंग है, उसकी तरफ आते हैं। डिसरिगार्डिंग समवन, इग्नोर सम बॉडी, ट्रीट सम बॉडी विद कोल्डनेस एंड कॉन्टेप्ट। कि अगर हम किसी को ठीक से इज्जत ना दें, किसी को इग्नोर करें, या अपने सर्द लहजे के साथ किसी के साथ जो है वो पेश आएं, तो वहाँ पे ये मुहावरा जो है गिव द कोल्ड शोल्डर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई भी शख्स जो किसी दूसरे को इग्नोर कर रहा हो, तब भी ये कोल्ड शोल्डर का मुहावरा इस्तेमाल होता है। अगर किसी के साथ उसका रवैया ठीक ना हो, तो भी अगर उसके लहजे के अंदर सर्दी हो, जैसे हम कहते हैं ना गर्म जोशी से मिले, मतलब कि बड़ी खुशी से मिले, इसी तरह अगर कोई नाराज़ होके मिले, तो उसको हम वहाँ पे कोल्डनेस का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ, के थ्योरी क्या बयान की जाती है कि इसका ओरिजिन क्या है। कहा जाता है कि जो मेडिवियल इंग्लैंड था, उसके अंदर पुरानी बात है, वहाँ पे ये रिवाज था कि लोगों को गर्म खाना दिया जाता था, और शोल्डर जो है, आप मटन जो है, जैसे बकरा है, तो उसका जो शोल्डर है वो जब देते थे तो वो बिल्कुल ओवन से निकाल के दिया जाता था। और ये स्टोरी के अंदर है कि जो शोल्डर है उसे अच्छा गोश्त नहीं समझा जाता था उस ज़माने में, तो मेहमानों को गरम गरम खाना जो है वो दिया जाता था। और अगर ऐसा कहते हो जाता कि मेहमान ज़्यादा दिन रह जाते, तो उनको फिर वो ठंडा खाना देते, और ख़ास तौर पे वो गोश्त देते जिसको वो अच्छा नहीं समझते, यानी कि कोल्ड शोल्डर दिया जाता। और मेहमान जो है वो उसको एक पैगाम दिया जाता कि आप ज़्यादा दिन ठहर चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि इसका कोई सेंस नहीं बनता इस हवाले से ना, कि कोल्ड शोल्डर देना। बेशक आप कह रहे हैं कि हम मेहमान को ये समझा रहे हैं कि आप चले जाएं, उसके साथ अच्छा रवैया नहीं आप रख रहे, लेकिन जो इग्नोर करना और डिसरिगार्ड करना, ये किसी लिहाज से ना एक नॉन सेंस ही बात, कोई अकली तौर पर ना वो नज़र नहीं आता इस तरह ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सर वॉल्टर स्कॉट हैं, उन्होंने 1816 में उनका एक नावल आया, दी एंटीक्वारी। 1816 में सर वॉल्टर स्कॉट जो थे, उन्होंने अपने नावल दी एंटीक्वारी के अंदर ये वाला लफ्ज़ जो है कोल्ड शोल्डर, जो है गिव द कोल्ड शोल्डर, ये दो मरतबा इस्तेमाल किया है। तो वहाँ से बाकी और जो नावल लिखने वाले थे, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने नावलों के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया। इस तरह आप कह सकते हैं कि 1816 के बाद ये इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड जो थी, अंग्रेज़ी बोलने वाले जो खित्ते थे, उनके अंदर ये मकबूल हो गया, मशहूर हो गया। लेकिन यहाँ पे इसकी जो रीज़न है वो मैं आपको बताता चलूँ। चूँकि जिस तरह हम कहते हैं कि रवैयों के अंदर जो है वो एक गर्म जोशी होती है, एक खुशी होती है, इसी तरह रवैयों के अंदर एक सर्दी भी होती है, ठीक है। तो अगर सर्द लहजे हों, सर्द रवैये हों, तो वो भी लोगों को तकलीफ़ देते हैं। तो ये उस वजह से ये कहा जाता है कि आप गुस्से से, अक्सर ऐसे होता है, आप जिससे बात ना करना चाहते हों तो आप गुस्से से एक तरफ मुंह कर लेते हैं, उसकी तरफ कमर कर लेते हैं, उसको अपने शोल्डर जो है वो देते हैं, और साथ आपके लहजे के अंदर एक कोल्डनेस भी होती है, आपका रवैया जो है वो भी सर्द होता है। तो इस वजह से कहा जाता है गिव द कोल्ड शोल्डर। मैंने एक ये डायग्राम जो है वो लगाई है, जिसमें शो किया गया है कि ये एक औरत जो है वो अपने मर्द से नाराज़ है, और इसका रवैया जो है वो सर्द है, और कोल्ड शोल्डर को दिखाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल जो है वो किया है। लेकिन यहाँ पे रवैये की सर्दी है, ना कि वो खाने वाली जो बात है ना, वो किसी तरह पे माकूल हमें नज़र नहीं आती। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ही फाइंड्स अलीना बट ही गिव द कोल्ड शोल्डर। उसने उसे इग्नोर किया। फिर उसके बाद है, बैनिशमेंट वाज बेटर देन द कोल्ड शोल्डर। कि जो बैनिशमेंट है
वो बजाय इसके कि आप किसी के साथ रवैया अच्छा ना रखें, बेहतर है कि उसे बैन कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है, वो बेटर है। उसके बाद है तीसरा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई योर मदर गेव मी कोल्ड शोल्डर। कहा जा रहा है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आपकी जो वालदा है उन्होंने मेरे साथ ये सर्द रवैया क्यों रखा। तो मैं ये कह सकता हूँ, गिव द कोल्ड शोल्डर का मतलब ये है किसी को नज़रअंदाज करना, किसी के साथ सर्द रवैया जो है वो अपनाना। उसके बाद है आई ट्राई टू बी प्लेजेंट टू हर, मैंने उसके साथ अच्छा रहने की कोशिश की, बट शी गेव मी द कोल्ड शोल्डर, मैंने उसके साथ रवैया अच्छा रखने की कोशिश की लेकिन उसका जो रवैया था मेरे साथ वो ठीक नहीं था, यानी कि उसने मुझे ट्रीट अच्छा नहीं किया, उसने मुझे डिसरिगार्ड किया है। मेरा ख्याल है कि हमें इस गिव द कोल्ड शोल्डर की समझ आ चुकी होगी। आप मज़ीद इस तरह के जुमले जो हैं वो बनाएं और अपनी सहूलत के लिए ये जुमले जो हैं वो आप लिख भी सकते हैं। अगले एडियम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।